ये देखिए प्रेशर कैसा है इसमें, हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिट में। दोस्तों आज हम लोग सबमर्सिबल पंप को 380 फीट पे इंस्टॉल करने वाले हैं और जो हमारा सारा सेटअप है वो 380 फीट के लिए ही है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पंप को इंस्टॉल करने में हमें कितना का खर्च बैठा है, ताकि आपको भी अंदाजा लग सके कि अगर आप भी 350 या 400 फीट के बीच में पंप इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आपको कितना का खर्च बैठेगा। इस पंप को इंस्टॉल करने के लिए हमने किन किन चीजों का यूज किया है और किस किस ब्रांड की चीजों का यूज किया है, वो सभी चीजें भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और साथ ही में हम उन चीजों का प्राइस भी आपको बताते चलेंगे और वीडियो के आखिर में सभी चीजों का कैलकुलेशन करके हम आपको बता देंगे कि टोटल खर्च कितना बैठेगा। तो बातों को ज्यादा ना घुमाते हुए चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो हम लोग सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो एक्वा टेक्स की 1.5 HP 20 stage का सबमर्सिबल पंप है, जिसकी मैक्सिमम रेंज की बात करें तो ये आपको आसानी से 420 फीट तक काम करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसे हम लोग 380 फीट पे ही इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे कि मैं आप सभी को हर वीडियो में कहता हूँ कि टेक्समो की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है और किसी ब्रांड के मुकाबले 1.5 HP होने के बावजूद भी ये जो पंप है काफी ज्यादा हेवी आपको देखने को मिलता है, वजन भी इसकी अच्छी खासी होती है। और आप में से कई सारे लोग ये हमसे पूछते हैं कि हम लोग ज्यादातर टेक्समो कंपनी के पंप को ही क्यों डालते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं, आप हमारी पुरानी वीडियोस वॉच करोगे तो आपको और भी सारे ब्रांड के पंप्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं, अब कस्टमर को जो पसंद आएगा हम वही तो डालेंगे। हमारे इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है और ना ये हमारे हाथों में है। कस्टमर को जो भी ब्रांड का पंप लगाना होता है हम वही लगाते हैं, पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको और भी तरह तरह के ब्रांड के पंप दिखा सके। वायर की बात करें तो हम लोग इजी फ्लिक्स कंपनी के 2.5 mm वायर का यूज कर रहे हैं, जिसकी लेंथ की बात करें तो हम लोग 420 फीट खरीद कर लाए हैं। 380 फीट जो हमारा बोरवेल में रहेगा और हमारा जो कुछ वायर जो है वो एक्स्ट्रा में रहेगा, ताकि हम अपने पैनल को सही जगह पर रख सके। वायर खरीदते समय आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपको कुछ वायर हमेशा एक्स्ट्रा लेकर रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको पंप को और भी नीचे उतारना पड़ सके, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि पानी का जो लेवल वो कभी कभी कम हो जाता है, जिस कारण से हमें एक या दो पाइप और भी बढ़ाने पड़ते हैं। फिर वैसे केसेस में आपको वायर में जॉइंट देने पड़ेंगे, इसलिए आपको पहले ही 10 या 20 फीट आपको वायर एक्स्ट्रा लेकर चलना चाहिए। तो इस वायर की प्राइस की बात करो तो यह आपको 100 रुपया पर मीटर पड़ता है और हम लोग इसे खरीद के लाए 127 मीटर। रस्सी की बात करें तो रस्सी में कोई उतना ब्रांड वगैरह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये ज्यादातर लोकली ब्रांड होते हैं। इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको पर मीटर 21 या 20 रुपया पड़ जाता है। और पाइप की बात करें तो हम लोग गुप्ता कंपनी के पाइप का यूज कर रहे हैं, जो कि 1.25 इंच का पाइप है। इसका थ्रेड वगैरह आप देख सकते हो काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है और पाइप की भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 240 रुपया पर पीस पड़ता है और इसे हम लोग 38 पीस खरीद कर लाए हैं 380 फीट के लिए, जहाँ पे आप HDPE रोल पाइप भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको और भी ज्यादा सस्ती पड़ेगी। पर फिलहाल के लिए इस पंप की बात करते हैं तो ये जो पंप है ये 20 स्टेज के साथ आता है, जिसका एक स्टेज आपका 22 फीट तक काम करता है। डिस्चार्ज रेट की बात करें तो ये आपको काफी अच्छा पानी दे देता है, पर यहाँ दिक्कत ये है कि इसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितना कि आपको दूसरे ब्रांड के पंप में देखने को मिलती है। इसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए वोल्टेज का अच्छा होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वोल्टेज सही तरीके से ना मिले तो ये पंप है आपको सही तरीके से पानी नहीं दे पाएगा, इसलिए इस पंप से आपको फुल पोटेंशियल लेने के लिए आपको अच्छे वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप स्टेबलाइजर यूज कर सकते हो, और अदरवाइज अगर आपके यहाँ वोल्टेज सही रहता है तो आप इसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। पंप की कंट्रोल पैनल की बात करें तो इसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि फुल मेटल बॉडी के साथ आती है और इसमें आपको टेक्समो की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। ये पैनल आपको पंप के साथ ही मिल जाता है। तो पंप की प्राइस की बात करें तो विद स्टार्टर आपको ये 20,500 रुपया पड़ता है। हो सकता है कि आपके एरिया में ये थोड़ा कम भी आपको मिल जाए या फिर थोड़ा ज्यादा ही प्राइस में मिले, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो एरिया के मुताबिक थोड़ा सा कम ज्यादा होते रहता है। पंप के साथ आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, जिसमें आप साल भर में एक ही बार पंप का रिपेयर या रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। वारंटी के मामले में ये जो पंप है उतना ज्यादा अच्छा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये भी है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि इसमें जल्दी कोई भी प्रॉब्लम देखने को ही नहीं मिलता है। इस पंप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हालांकि ये ज्यादा पावर कंज्यूमिंग होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी जल्दी खराब नहीं होता है। और कंपनी में क्या होता है कि आप जरा से भी लापरवाही करोगे तो आपका पंप तुरंत ही खराब हो जाता है, लेकिन ये जो पंप है जल्दी खराब नहीं होता है, जिस कारण से आपकी वारंटी जो है वो धरी की धरी ही रह जाती है। इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसमें आपको एक ही साल की वारंटी मिल रही है, जो जिसमें कि आपको पॉलिसी के अनुसार आपको एक ही बार इसमें सर्विस मिलेगी, तो आपको उतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके इस पंप को ले सकते हो, पर हाँ ध्यान रहे कि आपके एरिया में इस कंपनी की सर्विस सेंटर होनी चाहिए, वरना आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है।
वैसे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि काम के साथ ही साथ हमें वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप हमारी मेहनत को समझते हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी कोई जरूरी भी नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और आपका जो भी राय या सुझाव हो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हो। तो जब तक हम पंप को इंस्टॉल कर रहे हैं तब तक आइए सारी चीजों को हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हमें टोटल खर्च इसमें कितना बैठने वाला है, और वीडियो के आखिर में हम इसका प्रेशर भी आपको दिखा देंगे। तो जैसा कि पंप का प्राइस, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि 20,500 रुपया। वायर की बात करें तो वायर हमने 127 मीटर 100 रुपया के हिसाब से खरीदा था, जिसका टोटल प्राइस हमें 12,700 रुपया पड़ता है। पाइप की बात करें तो पाइप हमें 240 रुपया पर पीस पड़ा था, जो कि हमने 38 पीस खरीदा तो इसका प्राइस हमें 9,120 रुपया पड़ा। रस्सी की बात करें तो रस्सी हमें 2,540 रुपया पड़ा, और अदर एसेसरीज जो हमें टेप वगैरह एमसील 1,000 रुपया लगते, और टोटल जो हमारा खर्च बैठता है वो 45,860 रुपया होता है। तो दोस्तों 380 फीट में इस पंप को इंस्टॉल करने में हमें इतना का खर्च बैठा। और हाँ, इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि सभी जगह में इसका जो प्राइस है वो अलग अलग होता है। तो अगर आप भी 350 या 400 फीट के बीच में सबमर्सिबल पंप को इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आपका तकरीबन इतना का ही खर्च आएगा अगर आप टेक्समो कंपनी के इस पंप को खरीदते हो तो। बाकी आपको इस सेगमेंट में आपको और भी कई सारे पंप्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग ब्रांड में, जिसका प्राइस आपको थोड़ा और भी कम देखने को मिल सकता है। और बाकी आपको पंप से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी मजदूरी यहाँ खत्म होती है, अब मैं चला दूसरी वीडियो में काम करने के लिए। आप इसका प्रेशर देख लो, कैसा आपको अच्छा लगे या ना लगे आप हमें कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तीन दिन से परेशान थे, हमको नहीं बुलाया था, क्या होगा। सही बात, ठीक तो है रे, और इनपुट लो ना बाबा, ठीक तो है। इनपुट ऑन है, ठीक है, चलो इनपुट दोनों का दे देना मुझे। हाँ देखो, 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 देखो,